हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल व्यूअर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जन्माष्टमी में आप प्रसाद के रूप में भोग में क्या क्या बना सकते हैं और इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया है वो सारे पिक्चर्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। मैंने पेड़े बनाए थे, खोपरा पाक बनाया है और मखाना पाक बनाया है, ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये पंचामृत है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसे। जन्माष्टमी भोग की थाली में मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर मखाना पाक, खोपरा पाक और राजगीरा मैंने यहाँ पर लिया है। तो इन सब चीज़ों से मैं यहाँ पर तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में अब मैंने घी डाला है और अब मैंने यहाँ पर जो गरी ली थी वो गरी को काट के स्लाइसेस में काट के रखा है और मैं उसे सबसे पहले फ्राई करूँगी। इस तरीके से मैं गरी को फ्राई कर लूँगी। गरी की स्लाइसेस को यहाँ पर मुझे ब्राउन करना है, इसलिए मैं इसे ब्राउन कर रही हूँ और ब्राउन करने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और अब सेम कढ़ाई मैंने ली है, इसमें फिर से मैंने दोबारा से घी डाला है और अब मैंने इस घी में मखाने को फ्राई करूँगी। मखाने को हमें क्रिस्पी होने तक का फ्राई कर लेना है, ये ताकि अच्छे से इसका टेस्ट आ जाता है अगर ये क्रिस्पी हो जाते हैं। हमारे मखाने भी यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे भी ठंडा कर लूँगी। और मैंने दोबारा से यहाँ पर सेम कढ़ाई ली है और उसमें दोबारा से घी डाल रही हूँ। मैं एक ही कढ़ाई में यहाँ पर सब कुछ कर रही हूँ, मैंने कोई कढ़ाई बदली नहीं है और उसी में मैंने ये जो घिसी हुई गरी है हमारी, इसे अब मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। हल्का सा ब्राउन होने तक इसे रोस्ट कर लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर गरी के लच्छे भी हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं धनिया की पंजीरी यहाँ पर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला था और मैं इसमें अब खड़ा धनिया जो होता है वो यहाँ पर डालकर इसे अच्छे से भून रही हूँ। ये हम एकदम ब्राउन होने तक इसे भी भून लेंगे। धनिया हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गई है, मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी और मैं अब यहाँ पर सबका पाक तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने सेम कढ़ाई में ही मैंने शुगर डाली है और अब मैं यहाँ पर हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर हमें शुगर को अच्छे से मेल्ट होने तक बिल्कुल पका लेना है और ये बिल्कुल थिक सिरप एकदम तैयार करना है क्योंकि हम इसका पाक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लच्छा पाक बनाएंगे, जो मैंने गरी यहाँ पर फ्राई करी थी लच्छे वाली, उसका पाक बनाएंगे। तो हमारी जो सिरप है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ कुक हो चुकी है। लच्छा पाक के लिए हमारी यहाँ पर चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैंने यहाँ एक प्लेट ली है, प्लेट को मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इस चाशनी में गरी डाल दूँगी। यहाँ चाशनी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, जिसमें मैंने गरी के लच्छे डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे जो प्लेट ग्रीस करी थी उस प्लेट में निकाल कर इसे जमा दूँगी और उसके बाद मैं इसके ट्रायंगल्स रेक्टेंगल जैसे भी आप शेप में काटना चाहते हैं उस तरीके से इसे कट कर लीजिए और ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ पर दोबारा से एक कप चीनी डाली है, एक कप चीनी में हम यहाँ आधा कप पानी डालेंगे और अब मैं इसमें मखाना और गरी पाकने वाली हूँ तो इसे भी हम बहुत अच्छे से इसका गाढ़ा सिरप बना लेंगे। मखाना पाक बनाने के लिए भी मैंने इस तरीके से चाशनी बना ली है और यहाँ पर ये चाशनी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, ये एकदम ऐसा वाइट दिखनी चाहिए तभी हम इसमें मखाने डालेंगे, नहीं तो फिर वो गीला गीला रह जाएगा और वो अच्छे से नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद गैस बंद करके इसे चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। मखाना पाक को हमें इस तरीके से लगातार चलाते रहना है, ये चलाते चलाते हमारा अपने आप ही एकदम ड्राई हो जाएगा, आपको ये देखने में एकदम सूखा सूखा लगेगा। मखाना पाक भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और अब हम यहाँ पर सेम पैन में दोबारा से सिरप बनाएंगे, जिसमें हम राजगीरा की पंजीरी यहाँ पर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक राजगीरा की पंजीरी के लिए यहाँ पर पाक तैयार होता है तब तक मैंने जो धनिया भून के रखी थी मैं उसे एक ब्लेंडर में डाल लूँगी और इसे पीस कर एक इसका अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। धनिया का पाउडर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है और अब मैं इसी सेम जार में शुगर लूँगी और शुगर का पाउडर बना लूँगी। मैंने यहाँ पर एक कप धनिया ली थी तो मैंने यहाँ पर आधी कप शुगर ली है, आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और धनिया के पाउडर में शुगर के पाउडर को मिलाकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी यहाँ पर
श्री कृष्ण भगवान के भोग के लिए धनिया की पंजीरी भी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, धनिया की पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब मैंने जो यहाँ पर राजगिरा के लिए पाक चढ़ाया था उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर पाक हमारा देखिए ये कितना अच्छे से तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें सारा राजगिरा डाल दूँगी। राजगिरा यहाँ पर मैंने भुना नहीं है, मुझे भुना हुआ मार्केट से मिल गया था इसलिए मैंने ले लिया। और ये कच्चा भी आता है, बिल्कुल सरसों के दाने के बराबर होता है इस तरीके का। और आप उसे घर पर भी भूनकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला था जो मुझे मिला इसलिए मैं इसे लेकर आई। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसे इस तरीके से तैयार कर रही हूँ। राजगिरे को हमें चाशनी में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, ये सारा इसमें कोट हो जाएगा और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये देखिए कितना एकदम खिला खिला है। और यहाँ पर हमारी राजगिरे की पंजीरी तैयार है। और अब हम पंचामृत बना लेते हैं भगवान के भोग के लिए। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है और दही में शुगर डाले हैं, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हम इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर कच्चा दूध डाला है पंचामृत बनाने के लिए। हमें दूध, दही, शहद, घी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अब मैं यहाँ पर गंगा जल डाल रही हूँ। गंगा जल डालने के बाद में मैंने यहाँ पर शहद लिया है और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शहद डालूँगी। पंचामृत का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है, वो है तुलसी की पत्ती, उसे डालना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब यहाँ पर पंचामृत बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। मैंने यहाँ पर तुलसी की पत्ती भी डाल दी है। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप बेशक डाल सकते हैं। और सारी सामग्री को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंचामृत हमारा बिल्कुल भगवान का भोग लगाने के लिए यहाँ पर भी तैयार है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी में भोग लगाने के लिए हमारा सारा प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमने यहाँ पर राजगिरा की जो पंजीरी बनाई थी वो भी बिल्कुल तैयार है। मखाना गरी पाक भी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर जो मैंने खोपरा पाक बनाया था उसे भी मैंने काट के इस तरीके से रख लिया है। और ये रही हमारी धनिया की पंजीरी, ये देखिए ये भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये मथुरा के पेड़े हैं, इसकी वीडियो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर करी है। और ये रहा फ्रेंड्स हमारा पंचामृत, ये भी हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको जन्माष्टमी में लगाए जाने वाले भोग की तैयारी कैसे की जाए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।